चालू करो। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत आई तो उसको प्रेस कर देना। ठीक है, हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? ऑल इज वेल। चलो जल्दी कनेक्ट हो बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे? सब बढ़िया है ना बेटा? चलो जल्दी ज्वाइन करो। यस, अंजलि, मीना, अजय सिंह, आदित्य सिंह, बेटा ज्वाइन फास्ट। बेटा आपको अपनी एनसीईआरटी को पैरेलल रीड करना है बच्चों। कर रहे हैं ना एनसीईआरटी को रीड? बेटा आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको भी आपको पैरेलल रीड करना है बेटा। उसमें जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसको पैरेलल सॉल्व करते जाना बेटा। आपको उनको सॉल्व करके आपके नोटबुक में राइट करना है। जितने ज्यादा इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी बेटा और इजी लगेंगी। चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। यस्टरडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने के लिए बेटा हमने इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा था, हैबर्स प्रोसेस, सबको याद है। मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर हमने यूज किया था, आयरन हमने कैटलिस्ट यूज किया था, Al2O3 भी नाउएडेज कैटलिस्ट यूज करते हैं। कुछ अमोनिया की प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बेटा। तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, उसमें से फर्स्ट क्या है बेटा लिखो, रिएक्ट विद एसिड। बेटा सोचो अमोनिया खुद एक क्या है, बेस है। वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों बताओ? सोल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो फॉर एग्जाम्पल HCl बच्चों, HCl प्लस अमोनिया क्या बनेगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड। सिंपल सा बेटा, सिंपल सा रिएक्शन है। HCl प्लस अमोनिया क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड। बेटा जल्दी ज्वाइन करो। बच्चा जल्दी से ज्वाइन करो। आई नीड 50 स्टूडेंट एटलीस्ट। बेटा तुम लोग उतने ही हो, 40, 38, 35 ज्यादा स्टूडेंट्स होने चाहिए बच्चों। वॉइस कम आ रही है बेटा, वॉइस आ जाएगी। थोड़ा अपने मोबाइल की आवाज को बढ़ा लो, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तुम लोगों के वहां पे तो वॉइस नहीं आ पाती है। चिंता मत करो, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, इस वीडियो को आप मेरे नाम से यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, राशन स्कूल के नाम से। उसमें केमिस्ट्री डालोगे तो मैं गॉट इट बच्चों। तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट बन गया। क्या बन गया बेटा? अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? सोल्ट बन जाता है। क्लियर? ऐसे ही लिखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिखो, रिएक्ट विद बच्चा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद
अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड देख लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद मेटल सल्फेट ऐसे करो मेटल सल्फेट गिव्स परसिपिटेट ये रिएक्शन बेटा एक बार जेई ने पूछी थी किसने पूछी थी जेई ने पूछी थी बेटा वीडियो आएगा एक बार आप लोग है ना अपने नेटवर्क को चेक करो यू हैव टू चेक योर नेटवर्क बच्चा अपने नेटवर्क को चेक करो वीडियो बिल्कुल क्लियर आएगा फ्लक्चुएट कर रहा हूँ आपका नेटवर्क देखो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रखो NH3+ water तो क्या बनेगा बेटा कल मैंने बताया था NH4+ और OH- NH4+ and OH- these are the ions of ammonium NH4 को क्या बोलते हैं बेटा ammonium ions got it or not NH4 is known as ammonium ion बेटा इसी अमोनियम आयन के साथ मैंने हाइड्रोक्साइड को लिखा है इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया तो क्या लिख रहा हूं बेटा मैं ZnSO4 यू नो बच्चों ZnSO4 इज ए जिंक सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है क्लियर ZnSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डियर स्टूडेंट This reaction used for identification of a special salt. बेटा ये किसी भी salt को identify करने में काम आती है बेटा ये reaction. Zinc sulfate NH4OH के साथ react करेगा. बनाओ product. Zn whole square 2 plus NH4 2SO4 प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो मैंने लिखा है जिंक हाइड्रोक्साइड बेटा ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है बच्चा जल्दी से आ जाओ क्लास में क्लास को चलते हुए 5 मिनट हो गए नेहा बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा यू हैव टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन और आप लोगों को ये वीडियो जो है हम पढ़ा रहे हैं ये बेटा आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे क्लियर है मंजू बेटा वीडियो क्लियर आ रहा है क्या थंबनेल पर मेरे को मंजू वीडियो क्लियर और नॉट यस इसी का बेटा वीडियो क्लियर आ रहा है जीतू कान बाबू रिंकू कपिल यस गुड बच्चा तो बेटा जिंक सल्फेट इट्स ए सॉर्ट ऑफ जिंक अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और बच्चों ये व्हाइट कलर का परसिपिटेट होता है व्हाइट पीपीटी तो दी आर द रिएक्शन व्हिच डिस्टिंग्विश सम स्पेशल सॉल्ट मतलब आपने बेटा टेस्ट ट्यूब ली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला ZnSO4 डाला और ZnSO4 में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्लियर दोनों बच्चों आप पास करवाएंगे तो विद इन 2 मिनट टेस्ट ट्यूब के नीचे इन द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब बच्चा व्हाइट कलर का परसिपिटेट बन जाएगा अनुज बेटा बात समझ में आ गया ना व्हाइट कलर का बन जाएगा परसिपिटेट बन जाएगा बच्चा गॉट इट और नॉट चलो नोट कर लो बेटा इसको आप लोग नोट कर लो बच्चों क्लियर ये आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगी बेटा दीज रिएक्शंस आर एप्लीकेबल इन योर प्रैक्टिकल्स आपके जो प्रैक्टिकल होंगे उनमें रिएक्शंस काम आएंगे बेटा डिडक्शन ऑफ सॉल्ट को डिटैच करने में बच्चों ये रिएक्शन काम आएंगी दूसरी रिएक्शन देखो बेटा FeCl3 क्या है FeCl3 बच्चों इसको हम बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्स क्लोराइड बच्चा इसको हम बोलते हैं आयरन थर्ड क्लोराइड क्यों बेटा क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आयरन है
उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और हम ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, पैरेंथेसिस कर देते हैं। क्लियर है बेटा? नेहा बेटा वीडियो क्लियर आ गया है? एक बार चेक करो अपना इंटरनेट कनेक्शन। FeCl3+ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा NH4OH क्या बनेगा? FeOH2+NH4Cl। बच्चों इन सब रिएक्शन में आप बच्चों इन सब चीजों में बेटा इन सब रिएक्शंस में आप चीजों ने आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी कि यहां पे सब रिडॉक्स रिएक्शन होगी। बच्चों यहां पे सब रिडॉक्स रिएक्शन है। बच्चों गौर से देखो यहां पे बेटा FeCl3 है वो FeOH2 में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? FeOH2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? या इसका एक अल्टरनेट रिएक्शन और लिख सकते हो। इसके अलावा क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? आप ये भी लिख सकते हो, इसको छोड़ के या इसी में लिख लो Fe2O3 क्या बनेगा? Fe2O3.XH2O क्या बन जाएगा बेटा? .XH2O ये लिख लो प्लस अमोनियम क्लोराइड। चलो बैलेंस करके दिखाओ बेटा इस रिएक्शन को। स्ट्रॉन्ग नोटेशन बता देंगे बेटा फोकस, ठीक है? इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ जल्दी, डू इट फास्ट। यहां पे कितना पुट कर दोगे बेटा? 2। कितना पुट कर दोगे? 2। करो बैलेंस, करो जल्दी करो। इसको बैलेंस करो बेटा जल्दी, 2 से भी बैलेंस नहीं होगा ये, जल्दी बैलेंस करो, जल्दी करो, इसको बैलेंस करना। क्लियर? ये लिख लो ब्राउन कलर परसिपिटेट, ब्राउन कलर परसिपिटेट। यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना है बच्चा, और बैलेंस करके मेरे को बताना चैट सेक्शन में। नेक्स्ट लिखो देखो बच्चों, अमोनिया इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ सॉल्ट। अमोनिया बेटा रिडक्स करने में काम आता है सॉल्ट को। कौन से सॉल्ट को रिडक्स करने में काम आता है बेटा बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो बच्चा इस क्वेश्चन पे, Cu2+। यस बच्चा ये क्वेश्चन पूछा है बार बार बोर्ड ने, Cu2+ कॉपर आयन किससे बना? कॉपर सल्फेट से बना सकते हो आप। Cu+2 आयन बेटा अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों। कॉम्प्लेक्स बनाओ Cu NH3 4। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा, बात समझ में आ रही है? एक्वस। यहां पे लिख लो बेटा एक्वस। बेटा मेरी अब एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, लिसन मी केयरफुल्ली बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉपर के ऊपर मैंने 2+ चार्ज लगाया है, मैं ये आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चा, इसे आयनिक इक्वेशन जैसे आपको रिडॉक्स रिएक्शन में समझाया था चैप्टर नंबर 8-11 क्लास में। तो बेटा जब भी किसी मेटल के ऊपर, जब भी किसी ग्रुप ऑफ आयंस, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप चार्ज लिखते हो तो उसको एक्वस फॉर्म में लिखा करते हैं, बिकॉज चार्ज आर प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई चार्ज आप लिखोगे तो चार्ज हमेशा एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा बच्चों। क्लियर? जो हम लोग अमोनिया ले रहे हैं वो भी एक्वस है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पड़ी होगी। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बना बेटा, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? समझो बच्चों,
इस कॉम्प्लेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। यहाँ पे हम इस रिएक्शन से डिटैच करते हैं बेटा, हम इस रिएक्शन से डिटैच करते हैं किसी सोल्ट को। मान लो मेरे पास, सुनना बेटा, मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्ट था, उसमें मैंने अमोनिया गैस पास करवाई, लिक्विड अमोनिया मैंने उसमें डाला बच्चा, तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा, टेट्रा अमाइन क्यूप्रेट, क्यूप्रेट सेकेंड, समझ गए? इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, टेट्रा अमाइन क्यूप्रेट सेकेंड। बस इसको हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बच्चों, ये डीप ब्लू कलर का होता है बेटा, यस इट्स ए डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बच्चा, ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये नाम कैसे लिखा गया वो भी हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब हमें डीप ब्लू कलर का कोई सॉल्यूशन मिले तो हम अज्यूम कर सकते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो सॉल्ट जो था उसमें कॉपर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बेटा, कॉपर प्रेजेंट था। बात समझ में आ रही है बच्चों, नोट कर लो इसको। ऐसे बेटा, ऐसे बच्चों बेटा, तो कॉपर किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। सीयू आयंस जो होते हैं बच्चों वो ब्लू कलर के होते हैं। आप लोगों के नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं बेटा, Cu plus 2 is a blue in color। मैं इसको रख कर दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अर्लियर की मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा बेटा, CuSO4.5H2O, समझना बच्चों। ये एक फॉर्मूला है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। किसका फॉर्मूला है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस और नो बेटा? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। क्या कलर होता है बच्चों, ब्लू। अब समझना, ब्लू कलर होता है बेटा कॉपर सल्फेट का, तो इस ब्लू कलर की वजह से कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लू विट्रोल, यस। ड्यू टू ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रोल बच्चा। बट ये कलर किसकी वजह से, ध्यान रखना बेटा, ये कलर वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है। मतलब आप कॉपर सल्फेट को हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे। तो जैसे बेटा हम CuSO4 को गर्म करते हैं, ड्यूरिंग आफ्टर हीटिंग ऑफ CuSO4, CuSO4 का ब्लू कलर गायब हो जाता है और ये कलरलेस हो जाता है। क्या कहते हैं, कलरलेस। तो आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, कलर ऑफ CuSO4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, CuSO4 का कलर वाटर की वजह से होता है। गॉट इट, बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो वहां पे हम कॉपर जो ब्लू कलर का था उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चों, तो वी गेट डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, गहरा ब्लू कलर का हमें सॉल्यूशन मिलता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। एक चीज और आपने पढ़ी होगी बेटा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बच्चों। AgCl को हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों। AgCl जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। किसका होता है, व्हाइट कलर। एक बात और बता देता हूं बच्चों, व्हाइट कलर को हम कलरलेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कलरलेस। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ए सिंपल थिंग, यू कैन कॉल व्हाइट कलर एज ए कलरलेस बच्चा। AgCl जो होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा। हम इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हम बेटा इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पे भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है बच्चों। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड AgNH3Cl।
AgNH3 2 Cl Aqueous. Got it? बेटा ये इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम वापस से वो हम 9 चैप्टर में स्टडी करेंगे. अभी तो आप इतना याद रख लो कि कॉम्प्लेक्स बन जाए. ये किस कलर का है बेटा? व्हाइट कलर का. जैसे बच्चों ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कलर लेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कलर लेस. मतलब पानी जैसा दिखने लग जाएगा. कैसा दिखने लग जाएगा बेटा? वॉटर जैसा दिखने लग जाएगा बच्चों. तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन डिटेच सम सॉल्ट. आपको पता है क्या करेंगे बेटा? हमने एक टेस्ट ट्यूब ली. टेस्ट ट्यूब के अंदर हम AgCl डालेंगे, अमोनिया डालेंगे. यू नो वेरी वेल AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा. जैसे आप इन दोनों रिएक्शंस को मिक्सअप करवाओगे तो आफ्टर सम टाइम ये जो व्हाइट कलर है वो गायब हो जाएगा और कलरलेस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना तो आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो कि ये इस सोल्ट में सिल्वर प्रेजेंट हो सकता है. क्या प्रेजेंट हो सकता है बेटा? सिल्वर. तो ये अमोनिया के कुछ इंपोर्टेंट थे. क्लियर? बात समझ आ रही है बेटा? अब हम पढ़ेंगे ये सारे अमोनिया जो है उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन थी बेटा. यूजेज ऑफ अमोनिया लिखवाने की जरूरत नहीं है ना बताने की जरूरत है, बिकॉज यूजेज में कुछ समझाने की चीजें नहीं होती. फिर भी मैं ओरली बता देता हूँ बेटा. अमोनिया जो होता है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है. किसमें काम आता है? फर्टिलाइजर्स. यूरिया वगैरह बनाने में काम आता है और भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है. वैसे अमोनिया जो होता है बेटा वो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है. किस नेचर का होता है? एक्सप्लोजिव नेचर का होता है. तो बेटा बोर्ड के लेवल पे इतना ही काफी है, बाकी कॉम्पिटिशन के लेवल पे इस पे और भी सारी रिएक्शंस हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस बोर्ड लेवल. क्लियर? इसी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों. दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो है बेटा नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड बच्चों, डे आफ्टर यस्टरडे दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ नेम वाले प्रोसेस होते हैं जिससे हम स्पेशल रिएजेंट को बनाते हैं. यस और नो बताओ, कौन कौन से बताए थे? मैं पूछ रहा हूँ, चैट सेक्शन में आंसर लिखना बच्चों जल्दी. बेटा अमोनिया विच प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, विच प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, चैट सेक्शन में मैसेज करके लिखो. अमोनिया कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? विच प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग H2SO4? यस, जल्दी लिखो बच्चों. एक ही बच्चे का आंसर मिला मुझे, चैट सेक्शन में जल्दी लिखो. विच प्रोसेस इज यूज फॉर मेकिंग H2SO4? बेटा H2SO4 बनाने के लिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस काम में लेते हैं. साइमल्टेनियसली बेटा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट. यस, हैबर्स प्रोसेस गुड, ओस्टवाल मेथड गुड. अमोनिया नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड है बेटा ओस्टवाल मेथड. बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर बच्चा? नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर देखो. नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर समझने से पहले सारी चीज समझो कि नाइट्रिक एसिड की लेविस्टोक स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा. समझना, यहाँ पे बच्चों सेंटर एटम क्या है? नाइट्रोजन. बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना बेटा. सेंटर एटम नाइट्रोजन है बेटा, और नाइट्रोजन के साथ हमें तीन ऑक्सीजन पर एडजस्ट करना है. 1 2 3. एक चीज लाइफ में याद रखना कि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाया था बेटा 15 ग्रुप एलिमेंट का, तो मैंने आपको एक स्पेशल नोट लिखवाया था, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड. नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता बताओ? कोई बच्चा बताएगा बेटा मेरे को? बेटा व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म मोर देन 5 बॉन्ड, मोर देन 4 बॉन्ड? बेटा नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? ड्यू टू स्मॉल साइज शिवानी बेटा. नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? स्मॉल. मुंह से बोल दिया करो, लिपसिंग कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगा. यस बच्चों, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बताया था ना बच्चों? यस और नो?
थंबनेल को मैं रोक ऐसा आपको ध्यान रखना बेटा. सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट एक्सीड देयर ऑक्टेट. बच्चा सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सीड नहीं कर सकते बेटा, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है. गॉट इट? चलो तो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ मैंने तीन ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से लिखे और किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ मैं हाइड्रोजन लिख दूंगा. देखो तरीका समझो, HNO3, HNO3 भी एक ओजे एसिड है. बताऊंगा ओजे एसिड क्या होता है, जिनमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो उसको हम ओजे एसिड बोलते हैं. आगे इसी टॉपिक में आएगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. H2SO4 भी एक ओजे एसिड है समझो. इलेक्ट्रॉन रोटेट स्ट्रक्चर क्या बोलता है बेटा, नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको पता है. ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो आप इनके सबके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में शो कर सकते हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. बच्चा ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, सो डियर स्टूडेंट्स हाँ बेटा बबीना क्या कहना चाह रहे हो तुम? गुड बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट स्ट्रक्चर क्या बोलता है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, यस और नो? से समझो, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर दिया बेटा. ये ऑक्सीजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गेन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से गेन करेगा. सबको बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. साइमल्टेनियसली बेटा मान लो ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. क्लियर? अब अच्छे से समझना बेटा, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता बच्चों. तो देखो इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस ऑक्सीजन के साथ टू इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बेटा ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. माय डियर स्टूडेंट गौर से देखो, नाइट्रोजन ने दो ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका. लेकिन क्या ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा? नहीं जुड़ा. तो अभी तो आपने HNO2 ही बना, हमें HNO3 बनाना है. तो बेटा देखो गौर से, नाइट्रोजन है टू लोन पेयर आफ्टर कंप्लीट ऑक्टेट. माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी नाइट्रोजन जो है उसके पास एक लोन पेयर बचता है बेटा. तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा. मतलब ऑक्सीजन सिर्फ नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा. सोचो, इससे पहले सोचो बच्चों, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयर? 4, 4, 8, 2, 10. और नाइट्रोजन बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता. तो यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. मतलब किसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? NO, H, double bond O और सिंगल बॉन्ड O. गॉट इट बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है. तो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ ये होगी, लिख लो, बना लो बच्चों, ड्रॉ कर लो. क्लियर होता है? अब नाइट्रिक एसिड की खास बात क्या है बताओ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड? समझो बेटा, नाइट्रिक एसिड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है. क्या होती है बेटा? नाइट्रिक एसिड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है. मैं इसको रब कर रहा हूं. डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर. क्यों? यू हैव टू फोकस कि व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चा.
तो बेटा आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने स्टडी करवा रखा है, द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बच्चा मैं इस लोन पेयर को यहां पे शिफ्ट करवा दूं तो ये बॉन्ड पेयर मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को मतलब सॉरी इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, गौर से देखो, कुछ भी तो नहीं है आपको कॉन्जुगेशन सिस्टम पे, बेटा आपको कॉन्जुगेशन सिस्टम में पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना होता है, लोन पेयर को शिफ्ट करना होता है, डॉट इट और नॉट, तो क्या होगा एच ओ एन। बेटा यहां पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक लोन पेयर शिफ्ट करोगे तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड और बना देगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अब नाइट्रोजन के पास यहां पे डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन फाइव बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बॉन्ड बेटा ब्रेक डाउन होगा तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, गॉट इट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं या लोन पेयर को हम शिफ्ट कर देते हैं उसकी कॉन्जुगेशन पोजीशन पे, नेक्स्ट पोजीशन पे, गॉट इट। अब यहां पे समझने की बात एक और है बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, बच्चा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ मेरे को, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, जल्दी बताओ बेटा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, चार सेक्शन में जल्दी बताओ, मैन, हु इज मैन बेटा, मैन कौन है, ये मैन, हु इज मैन, यहां पे पी ए एन तो पंकज दिखा रहा है तो एम ए एन से क्या है, मनीष है क्या बेटा, हु इज मैन, और क्या दो बच्चे आंसर देंगे, बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे बेटा आंसर, ओ बेटा एसपी थ्री कहां होगा हिमांशु, बच्चा एसपी टू होगा, गुड बेटा जल्दी आंसर दो, मंजू ने अपना हैंड राइज कर रखा है, बताओ मंजू कौन सा हाइड्रेशन होगा बेटा, एसपी टू, यस एसपी थ्री कैसे होगा बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट देखो, नाइट्रोजन बेटा हाइड्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बच्चों हाइड्रेशन के केस में ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओनली एंड ओनली वी हैव टू कंसीडर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, हम एटम के सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करते हैं बेटा, तो देखो वो से इस नाइट्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो बेटा पाई बॉन्ड है, जनरली जब भी दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एक सिग्मा बनता है, बाकी क्या बनता है बेटा, पाई बनता है, सी टू को छोड़ देना, बताया था सी टू के केस में वो था पाई बॉन्ड, यस, इन केस ऑफ सी टू बच्चा सी टू के केस में डबल बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू बच्चा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बच्चा सी टू के केस में दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, जो आप इसका एमओटी डायग्राम बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि वहां पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो पाई ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर, ये स्पेशल केस है, बाकी ज्यादातर केस में बेटा मल्टीपल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो एक सिग्मा बनता है, रेस्ट जो बॉन्ड होते हैं वो पाई होते हैं, तो गौर से देखो बेटा कितने पाई बन रहे हैं, थ्री पाई सॉरी थ्री सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, वन टू थ्री, थ्री सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक बता रखा है बच्चों आपको, थ्री सिग्मा मींस एसपी टू, यस और नो, और एसपी टू है मतलब स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से बेटा, स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, जल्दी से स्ट्रक्चर बताओ बच्चों, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, बेटा लिख लो, ट्राइगोनल प्लेनर,
ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी। यस बच्चों, नाइट्रिक एसिड हैव ट्राइगोनल प्लेनर, वेरी गुड बेटा। नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और अभी बच्चों इसको हम कैरी ऑन करेंगे आगे। ड्रॉप कर दो। यस बेटा, मैं तुमसे बार बार क्लास में ये बोलता हूँ कि हम आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, और आई होप आपको जिस लेवल से आप पढ़ाई करवा रहे हैं, आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर लेते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हो रहा बच्चों कि तुम लोगों की क्वांटिटी अभी थोड़ी कम है। तो प्लीज बीइंग ए ह्यूमन यू हैव टू इंक्रीज योर क्वांटिटी। मतलब आप अपने फ्रेंड्स को बोल के उनको बोलो कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, उससे हमारा भी मोरल बूस्ट होता है, हमें भी अच्छा लगता है, हम ये समझते हैं फिर कि यस हमने जो पढ़ाया है वो बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, यू हैव टू पास मैसेज टू अदर स्टूडेंट्स एंड दे ज्वाइन आवर क्लास। गॉट इट? चलो बच्चा, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैथड ऑफ प्रिपरेशन, मैथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें हम मैं में बात करता हूं ओस्टवाल्ड मैथड। बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओस्टवाल्ड मैथड। यस, मैथड ऑफ प्रिपरेशन में बच्चा हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड मैथड की। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा मैथड है। देखो हमने थोड़ी देर पहले कल की क्लास में अपने अमोनिया बनाया, क्या बनाया बेटा? अमोनिया। तो आप अमोनिया ले लो और उसकी रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, आप क्या बनाओ? NO। क्या बनाओ? NO। और क्या बनाओ बेटा? H2। क्लियर? क्या बनाओ? H2। अब अगले केस में क्या करोगे बेटा? आप NO ले लो और NO की रिएक्शन O2 के साथ करवाओ, और यहाँ पे भी आप O2 ले लो, NH3 प्लस O2, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना दो। चलो ऐसे करो बच्चा, NO प्लस O2 NO2 बना दो। क्या बना दो बेटा? NO2। गॉट इट? बैलेंस बैलेंस कर लेना बेटा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ। आप लोगों का टास्क है बैलेंस करने का, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना बेटा। NO2 प्लस वाटर क्या बन जाएगा बेटा? HNO3। क्या बन जाएगा बेटा? HNO3। कुछ नहीं करना, तीन स्टेप्स थी, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन लो, NO बनाओ, ये जो प्रोडक्ट है इसको उठा के रिएक्टेंट की तरफ लेके जाओ, वापस O2 लिख दो, ट्रिक भी समझो, वापस का लिख दो O2, NO प्लस O2 NO2 बना दो, फिर NO2 को उठाओ रिएक्टेंट बनाओ, वाटर जोड़ दो, HNO3 बना दो। दैट्स ऑल, ये थ्री स्टेप्स है नाइट्रिक एसिड बनाने की। ट्रिकी समझो, NO बनाओ, NO से NO2 बनाओ, NO2 से नाइट्रिक एसिड बनाओ। गॉट इट? तो बच्चों ओस्टवाल्ड मेथड को डिटेल में हम लोग कल स्टडी करेंगे, लेकिन मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आई नीड मोर स्टूडेंट्स, सो टुमारो यू विल बी मोर देन 50 स्टूडेंट्स। समझ गए बच्चों? तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है।